आज मैं आपके साथ पत्ता गोभी की बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये नाश्ता इतना स्वादिष्ट लगता है खाने में कि एक बार जो इसे खा लिए तो बार बार आपको बनाने को इस नाश्ते को बोलेंगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इस नाश्ता को बनाने में। 5 मिनट में सिर्फ 2 चम्मच तेल से ये सारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये पत्ता गोभी का नाश्ता टेस्टी के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी होता है। जिन्हें पत्ता गोभी खाना पसंद नहीं है वो भी बड़े पसंद से इस नाश्ते को खाएंगे। इसे आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, या फिर सुबह नाश्ते के रूप में खा सकते हैं, या फिर शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे और समय ना हो ज़्यादा, झटपट से कुछ खाने का मन हो, तो फटाफट से इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। और इस नाश्ते को आप किसी भी चटनी के साथ खाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा आपको, तो एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस स्वादिष्ट पत्ता गोभी के नाश्ता को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आधा पत्ता गोभी ली थी और उसे इस तरह से बारीक बारीक काट ली हूँ। और जितना पत्ता गोभी ली हूँ उसका आधा यहाँ पर प्याज लेना है, और थोड़ा सा हरा धनिया की पत्ती को काट लेना है। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 कलियाँ लहसुन की और आधा इंच अदरक का टुकड़ा ली हूँ। अब यहाँ पर 2 हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट ली हूँ। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, जितना तीखा आपको खाना पसंद है उस हिसाब से मिर्ची डालिएगा। और यहाँ पर अब 1 बड़ा बर्तन ली हूँ, इसमें पत्ता गोभी को डाल दी हूँ। पत्ता गोभी को आप चाहे तो घिस के भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बारीक बारीक इसे काट ली हूँ। और प्याज को भी देखिए इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काटी हूँ। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्ची को भी डाल दी हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन को कूट के डाल दी हूँ। जो अदरक लहसुन ली थी उसे कूट ली हूँ, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए 1/4 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच मिर्ची का पाउडर, ये तीखा वाला लाल मिर्च का पाउडर है। आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच ही हल्दी का पाउडर डाल दी हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, नमक आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें, जितना नमक आपको पसंद है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दी हूँ, गरम मसाले भी 1/4 ही ली हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। अब इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, अजवाइन को हाथों से क्रश कर लीजिए। और इसके बाद इसमें डाल दीजिए, अजवाइन आप ज़रूर डालें इसमें। अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा बेसन, तो ये बहुत ही छोटी कटोरी है तो बेसन इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, कम ही जाएगा। इसमें प्याज और पत्ता गोभी दिखना ही चाहिए, प्याज और पत्ता गोभी का ही टेस्ट आता है इस नाश्ते में। अब हाथों से अच्छे से थोड़ा सा दबाते हुए अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, ताकि प्याज और पत्ता गोभी थोड़ा सा नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे मिला ली हूँ। अब थोड़ा सा पानी डालते हुए और इसे अच्छे से थोड़ा सा गीला कर लेना है, ताकि जब हम इसे चम्मच से तवे पर फैलाएं तो ये बहुत ही आसानी से फैल जाए। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक गीला सा नरम सा डो बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से। और इसमें अब मैं धनिया का पत्ता भी डाल देती हूँ। और अगर धनिया पत्ता ना हो तो इसमें आप पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, या फिर करी का पत्ता जो होता है 10 से 12 पत्ते बारीक काटकर वो भी डाल सकते हैं। उससे भी बहुत ही बढ़िया इस नाश्ते का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और अब गैस पर एक तवे को मैंने गर्म होने दे दी थी। जब तवा अच्छे से गर्म हो गया तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। तेल अभी लगभग 1 चम्मच के आसपास डाली होंगी। अब तेल को पूरे तवे पर अच्छे से फैला लीजिए और इसे गर्म कर लीजिए। तो मेरा तवा अच्छे से जब गर्म हो गया था तो मैंने गैस का फ्लेम लो कर दी हूँ। इस नाश्ते को हमें लो फ्लेम पर ही बनाना है। अब 1 से 1.5 चम्मच आपको लेना है इस पत्ता गोभी के मिश्रण को, और तवे पर इस तरह से डालकर और अच्छे से फैलाकर पतला कर दीजिएगा, मोटा नहीं कीजिएगा, क्योंकि बेसन को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा ही समय लगता है। अगर वो मोटा रहेगा तो फिर अच्छे से जल्दी पक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं फैला दी हूँ, तो पूरे तवे पर मैं इस तरह से छोटे छोटे बना लूँगी। मेरा तवा थोड़ा सा बड़ा है तो इसी पे सारे एक बार में ही बन जाएंगे। तो आप अपना देख लीजिएगा, आपके तवे पर जितने आ सकते हैं उतने ही डालिएगा, और धीमी धीमी आंच पर इसे अच्छे से पकने दीजिएगा। इसे ढकना वगैरह नहीं है, बस गैस का फ्लेम आपको कम कर देना है और इसे आराम से पकने देना है। जब ये नीचे से अच्छे से पक जाएगा तब इसे आपको पलटना है। तो यहाँ पर देखिए जितने आ सकते थे मैंने डाल दी हूँ।
और इसे अब इसी तरह से रहने देना है थोड़ी देर के लिए। कुछ देर इसको पकने में लग जाएगा क्योंकि इसमें बेसन है, बेसन को पकने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है पलटने में। जब ये नीचे से पक जाएगा तो आप थोड़ा सा चम्मच से या फिर किसी चीज़ से उठा के देख लें, अगर नीचे से ये गोल्डन ब्राउन हो गया हो तभी पलटें। तो कुछ देर बाद ये देखिए पक गया है, तो इसे मैं पलट देती हूँ। तो यहाँ पर वीडियो में देखिए जिस तरह का नीचे से ये पककर तैयार हुआ है, तो इसी तरह से जब पक जाए तभी आपको पलटना है, नहीं तो फिर ये नाश्ता जब कच्चा रह जाएगा तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और आप ये भी ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम लो ही रखें, अगर आप तेज़ आँच कर देंगे तो दोनों तरफ से तो दिखेगा कि अच्छे से पक गया है, पर बीच में ये नहीं पक पाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ये थोड़ा सा मोटा बनकर तैयार होता है। और इसे आप छोटा छोटा ही बनाएं, अगर आप ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो फिर पलटते समय ये टूट भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबको मैंने पलट ली हूँ, और जो मैंने बाद में डाली हूँ तो वो अभी नहीं बना है, तो इसलिए उसको अभी नहीं पलटी हूँ, थोड़ी देर पकने देती हूँ, इसके बाद पलट दूंगी उसको भी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल और डाल दीजिए ताकि दूसरी तरफ भी बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो अभी मैंने थोड़ी देर के लिए 10 से 15 सेकेंड के लिए गैस का फ्लेम तेज़ की हूँ, इसके बाद फिर से गैस का फ्लेम कम कर दूंगी और धीमी आंच पर दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसे पकने दूंगी। इस नाश्ते को बनाने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से बनाना है। और ये देखिए एक मैंने छोड़ के रखा था वो भी बन गया है, तो उसे भी पलट ली हूँ। अब उसमें भी थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ ताकि ये नीचे से बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो कुछ देर बाद जब ये नीचे से भी पक जाए तब आपको इसे हटा लेना है, और आपको एक चेक कर लेना है कि अंदर से भी ये पका है कि नहीं है। अगर अंदर से नहीं पका है तो फिर से आपको इसे अलट पलट करके बहुत ही अच्छे से, जब तक ये अंदर से ना पक जाए तब तक इसको आपको पकाते रहना है। इसे पकने में लगभग आपको 5 मिनट लग जाएंगे, तो धीमी आंच पर 5 मिनट इसे पकने में लग जाते हैं। तो मैंने अलट पलट करते हुए बहुत ही अच्छे से इसे हर तरफ से पका ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए कहीं से भी ये कच्चा नहीं दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से अंदर तक ये एकदम पक गया है। तो आप ही इसे इसी तरह से दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए धीमी आंच पर अच्छे से पकाएं। अगर ये अंदर में कच्चा रह जाएगा तो फिर खाने में टेस्टी नहीं लगेगा, तो इसीलिए आपको आराम से इसे पकने देना है। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। ये खाने में तो टेस्टी होता ही है, इसके साथ साथ ये हेल्दी भी होता है काफ़ी। तो इस नाश्ते को आप किसी भी मनपसंद चटनी के साथ गर्मा गर्म ही खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा आपको ये नाश्ता। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर मैं इसे टमाटर केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे इमली की मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर हरे धनिए और हरी मिर्च की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ खाए ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और अगर आपके बच्चे को पत्ता गोभी खाना पसंद नहीं है तो एक बार उसे ये नाश्ता टिफ़िन में दें, वो हर रोज़ आपको कहेगा यही नाश्ता बना के देने के लिए। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।